नमस्कार मित्रों, आज हम आए हुए हैं हरिद्वार। तो देखिए, ये है हरिद्वार का मुख्य गेट और यहाँ से हम हर की पौड़ी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो आज बने रहिए वीडियो में अंत तक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ हरिद्वार कैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और कहाँ रुक सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ के दर्शनीय स्थान भी दिखाने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ प्रवीण राजपूत और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पीके। तो देखिए मित्रों, ये है गंगा जी, माँ गंगा, जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं और मैं आपको हर की पौड़ी की तरफ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा हर की पौड़ी। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं माँ गंगा के ऊपर, बहुत ही यहाँ से कई शाखाएँ भी निकाली गई हैं। देखिए मेरे पीछे ये दूसरी शाखा है और यहाँ इसे ही कहते हैं हर की पौड़ी। तो लोग बहुत इस समय स्नान कर रहे हैं, बहुत भीड़ भी चल रही है। देखिए चारों तरफ कितनी भीड़ है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आए तो। तो मित्रों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो देश के कई शहरों से यहाँ पे ट्रेन बस की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके शहर से ट्रेन या बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप दिल्ली आ सकते हैं, वहाँ से आपको ट्रेन और बस दोनों ही सुविधा मिल जाएंगी यहाँ के लिए डायरेक्ट। तो मित्रों, आप यहाँ आएँ तो सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे कहाँ पे रुक सकते हैं। देखिए, अभी आरती हो रही है, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे यहाँ पे आरती होती है। इस समय ये देखिए आरती हो रही है। तो पहले मैं बता दूँ, तो अब मैं बात कर लेता हूँ मित्रों यहाँ पे रुक कहाँ सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे आश्रम से लेकर होटल तक हैं, धर्मशालाएँ भी हैं, जो कुछ आश्रम फ्री में रुकने की सुविधा भी देते हैं, जैसे कि शांति कुंज है और भी कई हैं। कुछ आश्रम में जो 100-200 रुपये भी लेते हैं और होटल भी हैं जो 1000 रुपये तक लेते हैं। यहाँ 50 रुपये से 200-250 तक का आपको खाना मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है। अगर मित्रों, यहाँ पे बहुत सारे घूमने के स्थान हैं, अगर आप घूमना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आरती में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 6 बजे यहाँ पे करेक्ट टाइम पे पहले आ जाएं, आरती स्टार्ट होती है और यहाँ पे आराम से जगह बना लें, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है आरती के टाइम पर। जो गंगा की आरती देखने का जो नज़ारा है वो खूबसूरत होता है। तो इसीलिए मित्रों, यहाँ पे आएँ आरती के टाइम पे ज़रूर आ जाएँ, क्योंकि आरती ही का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है सुबह। तो देखिए, पानी का तेज यहाँ पे बहुत बहाव होता है, लेकिन यहाँ से चैन बांध दी गई है लोहे की, जिसको पकड़ के स्नान किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे गंगा के ऊपर ओवर ब्रिज बनाए गए हैं जो खूबसूरत देखने में लगते हैं मित्रों, और भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन सभी लोग चैन पकड़ के स्नान करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे यहीं से मैदानी क्षेत्र में गंगा आती है, पहाड़ों से निकल के यहीं से शुरू होती है मैदानी क्षेत्र इस गंगा का। इसीलिए यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहाव होता है और लोगों को चैन पकड़ के नहाना पड़ता है, और ये बैरिकेड भी बना रखे हैं। और यहीं से मित्रों चार धाम यात्रा शुरू होती है, हरिद्वार हो से ही चार धाम यात्रा शुरू की जाती है, और ये भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है, भगवान शिव की। और यहाँ पे जो है गंगा मैदान में आती है और यहाँ पे लोग कांवर के लिए जल भरने भी आते हैं मित्रों, उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। देखिए, पानी का भाव जो होता है वो बहुत तेज़ होता है, आप जैसा कि देख रहे होंगे, इसीलिए लोग इसको चैन पकड़ के स्नान करते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, बिना चैन पकड़े स्नान ना करें यहाँ पर आके, क्योंकि पानी का भाव जो होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो मित्रों, अब बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर आए हैं तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो यहाँ पे हर की पौड़ी पर घूम सकते हैं, दूसरा यहाँ पे आप जो है आप मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं, चंडी देवी मंदिर जा सकते हैं जो पहाड़ पर है, जहाँ से पैदल का रास्ता और ट्रॉली का रास्ता है। ट्रॉली का जो किराया होता है लगभग 180 से 220 रुपए के लगभग होता है। तो आप ट्रॉली से भी ऊपर जा सकते हैं, पहाड़ पर है मनसा देवी मंदिर। और यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क है, जू है, जो आप बहुत से लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे एक जू है बहुत बड़ा जिसमें गाड़ियों से घुमाया जाता है, जिसकी फीस लगभग 700 से 800 रुपये पर पर्सन होती है। और खुले में जंगल में हाथी, शेर, चीता आदि जानवर दिखाए जाते हैं, बहुत अच्छा पार्क है। और यहाँ पे भारत माता टेम्पल भी देख सकते हैं। और रुकने के लिए, और अगर आप, मैं बता दूँ यहाँ पर रुकने के लिए तो बहुत सारे होटल्स और आश्रम मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं, फोर व्हीलर या बाइक से, तो यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग का किराया 90 से 100 रुपये है जो आप। और मैं यहाँ बता दूँ आपको, जब भी अपनी गाड़ी लाएँ तो पार्किंग में लाएँ, ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहती है, बाहर खड़ी करने का कोई यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपकी गाड़ी को, या गाड़ी चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए पार्किंग में ही करें। यहाँ वैसे बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है,
तो हमेशा गाड़ी को पार्किंग में ही लगाएं मित्रों। तो मैं बता दूं मित्रों, राजा जी नेशनल पार्क 72 भारत माता मंदिर है और शांति कुंज यहाँ पे एक आश्रम है, उसमें घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छा आश्रम है। अगर आपको एक्टिविटी या पैराग्लाइडिंग करनी है तो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर ऋषिकेश है, वहाँ पर लोग एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।